नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। सीएए के आने के बाद, नागरिकता संशोधन एक्ट के आने के बाद जो है देश भर में दो तरह की विचारधाराएं साफ तौर से देखने को मिल रही हैं। एक तरफ जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो मोदी समर्थक हैं, वो एकदम एक कैंपेन लेके चल रहे हैं और इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, इस विधेयक के बनने का समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरा विपक्ष लगभग एक साथ हो गया है और वो इसका विरोध कर रहा है और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उनको वो समर्थन दे रहा है। हमारे साथ सतीश जी हैं, सतीश त्रिपाठी जी, जाने माने संगीतकार हैं, निर्माता हैं, लेकिन आज सतीश जी हमारे साथ एक बीजेपी समर्थक के तौर पर हम इनको देखेंगे, क्योंकि अक्सर जब हम इनके सोशल मीडिया के पोस्ट को देखते हैं तो उसमें मोदी सरकार की तारीफ और बीजेपी के की तरफ इनका झुकाव जो है वो दिखता है। इसलिए आज हम इनसे एक बीजेपी समर्थक के तौर पे बात करेंगे। सतीश जी, बीजेपी समर्थक के तौर पे बात करें आपसे? बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि विवेक भाई, 2013 के पहले मुझे लगता है कि राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं थी, और न सिर्फ मेरी, मुझे लगता है कि आप जितने भी आप सोशल मीडिया पर उठा के देख लिए, जितने भी नौजवान हैं, जितने भी बड़े हैं, बूढ़े हैं, जितने भी लोग हैं, औरतें हैं, देश की लड़कियां हैं, उनके अंदर जो पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट पैदा हुआ है वो आफ्टर 2013 के जब इलेक्शन शुरू हुआ, ओनली बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के आने के बाद हम लोग के अंदर एक पैदा हुआ पॉलिटिक्स के प्रति एक रुचि पैदा हुई, और हम तो मैं मोदी समर्थक आपको कहूँ या बीजेपी समर्थक कहूँ? आप भाई देखिए, बीजेपी से अलग तो मोदी नहीं है ना, तो कई लोग तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, मगर मैं सच बोलता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मैं सच बोलता हूँ, ज़रूरत पड़ती है तो मोदी जी का कभी कुछ होता है तो मैं उसमें भी अपनी बात रखता हूँ कि भैया मुझे कुछ ये गलत लगती है तो मैं अपनी बात भी रखता हूँ। एक समर्थक के तौर पे अगर मैं आपसे समझूं, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी ऐसी बातें कही थी जिनको कि जिनका विपक्ष शुरू से विरोध करता रहा है, और सारी विवादास्पद चीज़ें रहीं, धारा 370 जैसे हुआ, ट्रिपल तलाक रहा, ये सब आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, इसका विपक्ष ने काफ़ी पुरजोर तरीके से विरोध किया, जिस तरीके से अब सीएए का विरोध हो रहा है। तो इसके बाद क्या आपको लगता है कि पूरे देश में जो अमित शाह कह रहे हैं कि एनआरसी लागू होगी तो एनआरसी लागू होगी, आप उसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी ने जितनी भी मैनिफेस्टो में जितनी भी बातें रखी थी बीजेपी ने, बीजेपी सरकार ने, मोदी जी की बीजेपी सरकार ने, वो लगभग हमारे ख्याल से ये पहली ऐसी सरकार है आज़ाद भारत के इतिहास में, ये फर्स्ट ऐसी सरकार होगी जिसने इतने बड़े निर्णय लिए हैं। आप उठा के देख लीजिए, धारा 370, बोला किया, और सब संविधान के दायरे में रख के किया। ऐसा भी नहीं किया कि भाई मैं बन गया हूँ और पूर्ण बहुमत से हूँ, राज्य सरकार में उसमें हूँ तो मैं बाहुबल का प्रयोग करके, नो, संविधान के दायरे में रह करके उन्होंने सारे निर्णय लिए। धारा 370, आपका क्या कहते हैं अभी नागरिकता संशोधन बिल, ये जो एक्ट हुआ वो पास हुआ हमारा, आपका ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ, आपका ये राम मंदिर का निर्माण भी फाइनल हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही मोदी जी आए। लेकिन ये यश भी कह सकते हैं आप, और एक आदमी का आप कह सकते हैं कि एक अपना होता ना कि एक आदमी को पूर्ण निष्ठा से जो बात कही उस बात पर अडिग रहना, ये बहुत कम लोगों के मैंने आज तक देखा ही नहीं है। लोग आप उठा के देखिए ना, जितने भी लोग हैं वादे करते हैं और वादे करने के बाद तुरंत भूल जाते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में जितने भी पॉलिटिशियन हुए हैं विवेक भाई, वो सिर्फ अपने उल्लू को साधने में लगे रहे हैं, ऑलवेज वोट पाने के लिए सारे कमिटमेंट कर दिए, सारी चीज़ें कर दिए। मोदी जी ने सारे कमिटमेंट को इस अपने सेकंड टेन्योर में आते ही लगभग पूरा कर दिया है। अब हमारे ऊपर है कि उन्होंने मेरे से वादा किया, जो वादा किया वो निभाया, अब हम क्या करते हैं उनके लिए, ये हमारे ऊपर भी बहुत लागू होता है कि अब हम उनको क्या देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जितने ये सब फैसले रहे, ये विवादास्पद तो रहे, अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी इनके एजेंडे में है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून तो सबसे पहले, अब हमारे ख्याल से मुझे लगता है कि इसके बाद मोदी जी को लागू करना चाहिए।
रीज़न ये नहीं, आप ये मत सोचिए कि मैं एक किसी, आप एक किसी चीज़ को आप सोचेंगे कि एक समुदाय के अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कह रहा हूँ जिससे कि जनसंख्या पर नियंत्रण पाना हिंदुस्तान के लिए अभी बहुत ही अति आवश्यक हो गया है। कहीं भी उठा के आप देखिए, किसी भी जैसे आप CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है जो लागू हुआ हमारे यहाँ, उसमें क्या हुआ है कि बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया, इन तीनों में जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है इनके लिए माइनॉरिटीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बताइए आप किस परसेंटेज पे थे, 18% से 7% पे हैं लोग, 20-20% से 3% पे आ गए हैं। हमारे देश में कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक पहुँचे, यानी कि हमारे आप खुशहाल हैं, आप खुश हैं, आप तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, आप जनसंख्या में भी ग्रो कर रहे हैं, आप बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, आप IAS PCS बन रहे हैं, आप हर काम कर रहे हैं। मोदी जी ने सबको पूरी छीट दी, भाई आप करिए, आप भी, आपको भी हक है इस, अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो आपको भी उतना ही हक है जितना हमें हक है। हमें ये अभी मोदी जी ने ही नहीं, ये तो संविधान ने दिया है और बाकी सारी सरकारों ने दिया है, सारी सरकारों ने दिया है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस सारी सरकारों ने इसमें अपोजिशन अपोज क्यों किया इस चीज़ को। CAA जब लागू हो रहा है तो वही सरकारें हैं जो इसका सपोर्ट करती थी, आपको याद होगा, आपने पिछले हम लोग जब इंटरव्यू उन्होंने डिस्कस किया था तो यही बात हुई थी कि संसद में मनमोहन सिंह ने जोरदार आवाज़ लगाई थी आडवाणी जी के सामने, उस समय आडवाणी जी प्रधानमंत्री थे। तो आप बताइए, अब वही उसी चीज़ का अपोज वही कांग्रेस क्यों कर रही है, सारे लोग मिलके जो मोदी, इसलिए कि मोदी ने कर दिया, अगर मोदी कर दिए तो हम उसका अपोज करेंगे, ये तो रॉन्ग है ना विवेक भाई। हम खुशहाल यहाँ पे भी हैं मगर डरे हुए हैं, हमारा जनसंख्या सब बढ़ रहा, हम सारी बातें कह रहे हैं, हम देश में आग लगा रहे हैं, हम जला रहे हैं बसों को, हम सरकारी संपत्ति को ख़त्म कर रहे हैं, मगर हम डरे हुए हैं। ये कैसा खौफ है और किस बात का खौफ है? लोग बोलते हैं कि भाई मुसलमान है डर, देखिए क्या होता है भाई, क्या घर में अगर चार बच्चा है, चार बेटे हैं और किसी एक बेटे पे आप फोकस्ड हो जाएंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे और हर बात में उसी को लेंगे और बाकी लोगों को आप एकदम से साइडलाइन में कर देंगे, तो तीनों बच्चों को धीरे 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 उसके प्रति एक जैसे कहते हैं कि एक उचाट हो जाएगा, उससे मन एकदम धीरे धीरे आदमी हटने लगेगा। आप देखिए ना हमारे देश में क्या, आप जैन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, सारे लोग हैं, आप सबके हक की बात क्यों नहीं करते हैं? जो भी आता है सिर्फ मुस्लिम के हक की बात करता है, वोट बैंक की राजनीति है, वो हमारे भाई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमसे अलग हैं, वो भी हमारे अपने हैं, मगर जैन भी तो हमारे अपने हैं, सिख भी तो हमारे अपने हैं, पारसी भी तो हमारे अपने, ईसाई भी हमारे, उनकी बात क्यों नहीं होती है? जो भी आ रहा, कांग्रेस तो उनकी बातें, केजरीवाल साहब आए तो उनकी बातें, ममता बनर्जी तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अब वो जब से आई हैं तब से बस उसी की राजनीति कर रही हैं, लालू प्रसाद यादव आए तो उसी की राजनीति की है, प्रणायम सिंह जी आए तो उन्हीं की राजनीति। लोगों के मन में एक वो हो गया कि भाई हम हैं कहाँ, हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आप यार हम लोग को क्यों इतना दरकिनार कर दिए हो? या तो आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया है, या तो आपने ऐसा कर दिया है कि एकदम से भाई उठा के किनारे फेंक दो, ये तो आएंगे ही, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, और भी लोग हैं ना देश में। अभी मान लिया, अभी ये सब कुछ जो है बीजेपी को उसके हिंदुत्व के एजेंडे को पूरा करने में मदद कर रही है। देखिए अब ये पूरा कर रही है नहीं कर रही मैं तो नहीं जानता, मगर इतना मैं कह सकता हूँ कि ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हम लोगों के मन में एक किसी के भी मन, मैं मोदी, आप बोल रहे हैं मोदी सपोर्टर में था ही नहीं मैं तो 2013 से पहले, मैंने आपको बोला कि पॉलिटिक्स में मेरी रुचि नहीं थी, मगर मैं हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि मेरे मन में ये भावना भरी हुई थी बरसों से, जो आ रहा है वही एक ही बात कर रहा है। हिंदुत्व एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, हिंदुत्व ऐसा नहीं है कि आप मान लिया कि हिंदुत्व राष्ट्र है तो ये है, वैसा कुछ होता नहीं है। हमारे देश में हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति के अंतर्गत में सारे कास्टिज्म, सारे कास्ट के लोग एक हैं, एक साथ आते हैं। माइनॉरिटीज़ में अगर आप देखेंगे तो और भी लोग हैं जो कि हमारे ख्याल से मुस्लिम समुदाय से बहुत नीचे आते हैं, उनके ऊपर ध्यान देना भी हमारा जरूरी है। अगर मोदी जी दे रहे हैं CAA के थ्रू तो क्या बुरा कर रहे हैं? क्या उन लोगों को हक नहीं है हमारे हिंदुस्तान में आने का? NRC क्यों ना करें बताइए आप, NRC पे हम लोग चर्चा किए, क्यों ना करें NRC? आप का अपना घर है, अपने घर में आप रहिए, आप दूसरे के घर में चोरी से घुसेंगे
और आप बोलेंगे वो मेरा घर है, उसको कौन मानेगा? लेकिन एनआरसी के मसले पे तो जो बीजेपी के साथ की पार्टी है, एनडीए के साथ, जो बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं बिहार में, वो कह रहे हैं कि हम एनआरसी बिहार में लागू ही नहीं होने देंगे। नुकसान करेंगे वो, बीजेपी का भी नुकसान करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग सिर्फ ये ना सोच के करें कि एक समुदाय को खुश करने के लिए मैं कर रहा हूँ, समुदाय के खुश, भाई उनका नुकसान, जो यहाँ मुस्लिम रह रहे हैं हमारे देश में, उनका क्या नुकसान है बताइए? आज वो कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ अपना दिखाए हैं, वो यहाँ पे यहाँ के सिटीजन हैं। मैं नहीं दिखाऊंगा तो मैं भी बाहर हो जाऊंगा, मेरे पास रहेगा तो मैं दिखाऊंगा, मैं हिंदुस्तान में रहूंगा, इसमें क्या बुराई है भाई? हर देश में, हर कंट्री को अपना हक होता है एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करने का, उसके नियम के अनुसार ही उस, आप जाके अमेरिका में कहीं रह लेंगे ऐसे बिना किसी उसके आप रह सकते हैं, बिना किसी कार्ड के, बिना किसी के वहाँ के प्रूफ के आप रह सकते हैं, आप रह के दिखाइए, कहीं भी रह के दिखाइए। तो हिंदुस्तान में है तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? और इसमें क्या मुस्लिम ही जाएगा? कोई भी नहीं दिखाएगा वो बाहर जाएगा, मैं नहीं दिखाऊंगा मैं बाहर जाऊंगा, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि अगर मेरे पास नहीं होगा तो मुझे बाहर करिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे आपके बीच में रह गई, वो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का बनना अब इस देश में बहुत ज़रूरी है, ये बनना अति आवश्यक है। ये अगर नहीं बनता है ना तो हम लोग, आप समझ लें कि एकदम खतरे के निशान पे एकदम है। आप इस घर में रह रहे हैं, एक घर में एक जगह पे आप कितने लोग रह सकते हैं? हमारे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि लोग सिर्फ एक हर आदमी एक एजेंडे की तरफ, हर आदमी एक एजेंडे की तरह काम कर रहा है। इस एजेंडे में जनसंख्या नियंत्रण बिल में भी लोग इसको उकसाएंगे, इसको भड़काएंगे कि भाई ये नहीं आना चाहिए, ये क्यों आना चाहिए, इसमें जो है मुस्लिम का नुकसान होगा, मुस्लिम समुदाय का नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा भाई? उनको भी फायदा है, 10 लोग रहेंगे, खाना खिलाना, रोजगार, धंधा, सारी चीज़ें। कितनी प्रॉब्लम होती हैं, कितनी प्रॉब्लमेटिक होती है कि एक घर में एक आदमी, एक माँ बाप है, अगर मान लिया ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या है तो आप सोचिए कि हर चीज़ पे उसका इफेक्ट पड़ता है, पालन पोषण पे इफेक्ट पड़ जाएगा, खान पान पे इफेक्ट पड़ जाएगा। आप अच्छे से रहिए ना, कौन मना करता है? मेरे भी, आप हम लोग के परिवार में भी आप देखेंगे तो हम सब लोग, भाई हम लोग भी तो रह रहे हैं ना। देखिए, कोई भी कानून बनता है, चाहे कोई भी कानून बने, सरकार जो भी बनाती है वो किसी एक समुदाय, एक जाति, एक वर्ग के लिए तो होता नहीं है, कभी नहीं। वो पूरे देश के लिए होता है। लेकिन बीजेपी ऐसे ही मुद्दों को क्यों चुनती है जो एकदम से अगेंस्ट मुस्लिम वाला सेंटिमेंट दे करके जाते हैं? क्योंकि मुस्लिम शुरू से बीजेपी से थोड़े से कटे रहे हैं, एक हिंदूवादी छवि रही है बीजेपी की, तो बीजेपी को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इस तरीके के ऐसे ऐसी चीज़ें ना है जो एकदम से कंट्रोवर्शियल हो जाए या सीधे विवादास्पद होकर के, या सीधे ऐसे लगे कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिमों के अगेंस्ट जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि ट्रिपल तलाक था, एकदम आपने बेशक पूरे देश के लिए कानून बना है, लाखों करोड़ों लोग उससे लाभान्वित होंगे, लेकिन मैसेज क्या गया कि अगेंस्ट मुस्लिम है। 370 कश्मीर वाली बात थी, कश्मीरी पंडित और मुसलमानों को लेकर के। आपको अभी CA आया है, NRC है, इसमें भी मुसलमानों को केंद्र बनाया गया बाकी विपक्ष के द्वारा। अब पॉपुलेशन की बात में भी आप मुसलमानों को ही घुसा रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए क्या है कि आप जो सोच रहे हैं ये हमेशा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम रॉन्ग है। देखिए क्या है कि औरतें बच्चा पैदा करने की मशीन तो है नहीं ना। आप एक जगह पर आप ट्रिपल तलाक आपने दिया, मान लिया आपने शादी किया, आपने 3 बार तलाक बोल दिया, अब आप छोड़ दिए, आप किसी और के साथ हो लिए, फिर आपने उसके साथ 3-4 बच्चे पैदा किए, फिर उसको ट्रिपल तलाक दिया, फिर आप किसी और के साथ हो लिए, ये कोई कानून तो है नहीं। उस औरत का क्या होगा? मोदी जी क्या उसके लिए लड़ रहे हैं कि मतलब उसके हक के लिए तो लड़ रहे हैं ना? वो ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो मुस्लिम औरतों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें क्या बुरा किया उन्होंने? रहा सवाल 370 का, 370 में क्या किया उन्होंने? 370 एक सिर्फ क्लॉज था जिसको कि उन्होंने हटाया है, सिर्फ एक ही पॉइंट था जिसको कि उन्होंने हटा दिया 370 में। और 370 में नुकसान क्या हुआ है मुझे बताएं ना, उसमें नुकसान क्या है? वहाँ के लोगों को एक्चुअल में, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, डेवलपमेंट क्या हो रहा था बताइए? जो सरकार गवर्नमेंट से यहाँ से पैसा जा रहा, फंडिंग जा रहा, सब कुछ जा रहा है, जो वहाँ के तथाकथित कुछ जिनको आप बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल और सेकुलर कहते हैं, ये सारे लोग बेवकूफ़ बना के उनके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं अमेरिका में, लंदन में ज़िंदगी जी रहे हैं, फर्स्ट क्लास ऐश बंगले में जी रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और बाहर निकल के
बरगला रहे, उनके हाथ में पत्थर पकड़ा रहे हैं कि भाई तुम पत्थर मारो, तुम पत्थर मारने के लिए पैदा हुए। वो पत्थर मारने के लिए पैदा हुआ है, वो आईएएस नहीं बनेगा, वो इंजीनियर नहीं बनेगा। तो अगर वहाँ धारा 370 तोड़ा उन्होंने, तो वहाँ भी उन्हीं के हक की लड़ाई लड़े हैं। चलिए, उन्हीं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी जो है, आप कह रहे हैं, आप बेसिकली आप उनके समर्थन में बात कर रहे हैं, तो हर मुद्दे को आप उस नज़रिए से देख रहे हैं। आज बीजेपी क्यों हार गई झारखंड में? देखिए, आज मैं देखिए इस बात पे मैं एकदम ओपन बात करूंगा कि आज बीजेपी का हारना सच्चाई के तौर पे अगर देखा जाए, धरातल के तौर पे, तो रघुवर दास जी का उसमें बहुत बड़ा एक मैं योगदान मानता हूँ। कहीं भी आप किसी भी स्टेट में इलेक्शन लड़ते हैं, तो वहाँ के कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है, उसकी बात को सुनना आपके लिए बहुत अत्यंत आवश्यक, क्योंकि आप वहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सिर्फ ये नहीं कि मैंने निर्णय ले लिया कि मैं विवेक भाई को यहाँ से खड़ा करूँगा और मेरा डिसीजन है और ये डिसाइडेड है, इसके बाद चलिए अब इसके सपोर्ट करके आप लोग खड़े होकर सपोर्ट करना है। भाई, हमारे कई मतभेद हो सकते हैं, हम आपकी बात के आपके मुंह पे नहीं बोल सकते क्योंकि आप सीनियर लीडर हैं, हम आपको कुछ नहीं कह सकते हैं। मगर मेरे मन में अगर जो विवेक भाई के प्रति, विवेक भाई ने जो मेरे साथ कोई किया है, अगर वो मेरे पास भरा हुआ है मेरे मन में, तो मैं धीरे धीरे निकालूंगा, फिर बोलूंगा नहीं। तो वही बात हुई है वहाँ पे। एक तो आईएसयू से जो इनका संबंध विच्छेद हुआ है, एक बहुत ही बताइए 5 साल साथ में जो पार्टी रह के काम किए वहाँ पे, आप उनको साथ लेके नहीं चल पाए, सरजू राय जी को लेके साथ में नहीं चल पाए, तो आपकी तो हार निश्चित है ना, तय है ना। ये तो लोकल बातें तो ठीक हैं, लोकल बातें तो ठीक हैं, लेकिन वहाँ मोदी फैक्टर नहीं काम किया। मोदी, अच्छी बताइए, मोदी फैक्टर कैसे काम करेगा? मोदी फैक्टर ने काम किया आपका मोर देन 25 सीट के आसपास का, हमारे ख्याल से जब तक हम लोग की बात हो रही है 25-26 के आसपास हम लोग हैं, तो मोदी ही फैक्टर है। वरना अगर आप सच पूछिएगा तो रघुवर दास जी का फैक्टर नहीं था, और ये बात हमारे ख्याल से, मुझे लगता है कि आला कमान को पता होनी चाहिए थी, लेकिन उन लोगों को नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो ये मुझ तक बात पहुंचाने वाले की प्रॉब्लम है, और अगर पता है तो उसके बाद अगर उन्होंने निर्णय लिया तो ये उनकी प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। चलिए, एक बीजेपी समर्थक के तौर पर सतीश जी ने काफ़ी बेबाकी से अपनी बातें रखीं और अपनी बातें कहीं जो ये सोचते हैं, एक मतदाता के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे, हालांकि इनका झुकाव बीजेपी की तरफ है जो साफ साफ दिखता है, लेकिन जो बातें इन्होंने कहीं उनमें कुछ बातें काफ़ी कुछ जो एनालाइज की जा रही हैं, जो इनको विश्लेषण जिनका किया जा रहा है, जैसे कि आज इनका हारना, झारखंड में बीजेपी का हारना, इसके पीछे जो भी बातें सामने आ रही हैं उसमें यही आ रही हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर रघुवर दास बिल्कुल असफल साबित हुए इस चुनाव के नतीजों को अगर देखें तो। बाकी बातें बीजेपी के एजेंडे में जो चीज़ें रही हैं, अब धीरे धीरे अगर वो भी आगे आती हैं और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कराने में अगर सरकार आती है तो जाहिर सी बात है कि विरोध उसका भी होगा, लेकिन कानून, एक बार फिर हम कहेंगे कि कानून कोई भी बनता है वो किसी एक के लिए नहीं होता, वो पूरे देश के लिए होता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।